I don't have much love left because I'm gone already. I'm only sitting here for the time being. But sir, he's thrown me out of my own house. So what can I say? He's living alone in a 36-floor building. He has no care or consideration for his parents, for his nephews who were living there. He's thrown everybody out because he can buy everybody. But it must be paining you very much as a patriarch, as a family a member, and as a father. So, I mean, you have been a pillar of restraint. But how do you see this? Is it not very painful, particularly now that this latest thing has broken out? I have never been through this in my life, in my 85 years of life. And in the next 2-3 years, I just have to accept what I'm going through. What's the big deal? I can keep on shouting, keep on complaining, keep on burning my heart. Where does that get me? The best is to keep out and live your life. Whatever little is left, it has no meaning. You have known so many people in the industry and in the business environment, sir. Have people started calling you and telling you that, you know? You see, I have been out of business for a long time. And therefore, I've also lost a lot of my business friends. So now very few people call me. And no businessman calls me. I'm a has-been. No, sir, wouldn't it? That is true. Mr. Mazumdar, that is true. You better believe it. There comes a time when your life grows, stabilizes, and then gone. It's over. It's a life cycle. You have to live it. You can't change it. I used to teach that as a professor, the life cycle. He was here yesterday. I came and walked. He didn't even get up or turn around to see me. He's become a very arrogant person. By mistake, I was left with some money on which I'm surviving today. Otherwise, I would have been on the road. He'd be happy to see me on the road. I'm sure of that. If he can throw his wife out like this, throw his father out like this, I don't know what he is. तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो अभी भी आपने जिन्हें सुना, एक दौर में इनकी तूती बोला करती थी, देश के रईसों में इनका शुमार हुआ करता था। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जब शादी ब्याह होती है तो जो सूट सिलता है तो रेमंड्स का सूट बहुत सारे लोगों ने पहने, देश विदेश में नाम। एक दौर ऐसा भी था जब बिरला से बड़ा नाम था, बिरला से। लेकिन आज इन्होंने जो कुछ कहा उसको ध्यान से आपने सुना होगा और सुनना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने बड़ी एक सबक लेने वाली बात की है। और मैं रेमंड्स की या फिर विजयपत सिंघानिया जिनको आप सुन रहे थे उनकी बात आज क्यों कर रहा हूं, तो ये आज की पूरी कहानी में आपके सामने रखता हूं। पिछले कुछ दिनों से देश में एक चर्चा हो रही थी, बल्कि एक इशू था, सिंघानिया परिवार या रेमंड्स ग्रुप में। रेमंड्स के जो करंट मालिक चेयरमैन है गौतम सिंघानिया और उनकी वाइफ नवाज मोदी सिंघानिया के रिश्तों को लेकर और उनके डिवोर्स को लेकर, तलाक को लेकर। और यह खबर इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि नवाज मोदी सिंघानिया ने कोर्ट में सेपरेशन के लिए जो शर्त रखी है वो ये है कि उनको रेमंड्स ग्रुप का 75% शेयर, मालिकाना हक, उन्हें और उनकी दो बेटियों को दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये देश का सबसे महंगा तलाक होगा।
गौतम सिंघानिया से उनकी बीवी नवाज मोदी सिंघानिया अलग होना चाहती हैं, बल्कि गौतम सिंघानिया ने उन्हें घर से ही निकाल दिया बेटियों समेत। और अब ये झगड़ा हर जगह है, मतलब सोशल मीडिया पर, मीडिया पर। लेकिन मैं गौतम सिंघानिया और उनकी बीवी के इस तलाक के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको इस कहानी के जरिए आपसे बात करता हूं। आपने जो शुरू में सुना, विजयपत सिंघानिया ने एक इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे को, और बड़ी डिटेल में उन्होंने ये कहा कि किसी भी माँ बाप को अपने जीते जी अपने बच्चों को अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, दौलत नहीं देने चाहिए, तब दे जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, चले जाए, क्योंकि क्या पता जीते जी आपने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों के नाम कर दी और बच्चे आपको बेघर कर दे। यही कहानी है इस वक्त विजयपत सिंघानिया की, जो कभी 12,000 करोड़ रुपए के मालिक थे और आज 2 कमरों के किराए के घर में मुंबई में अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। कभी ये जेट में उड़ा कर रहे थे, लंदन से दिल्ली तक अकेले इन्होंने प्लेन उड़ाया, एक रिकॉर्ड बनाया। आज इनके पास कार तक नहीं है, पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कार, ड्राइवर, पैसे, घर, सब कुछ बेटे ने ही छीन लिया। उस बेटे ने जिन्हें खुद इन्होंने अपनी सारी दौलत दे दी थी, क्योंकि खून है, बेटा है। लेकिन जब सारी वसीयत कर दी तो बेटे ने अपना रंग दिखाया और उन्हीं माँ बाप को घर से निकाल दिया। ये आम परिवार की बात नहीं है, ये देश के रईस, कुछ गिने चुने जो परिवार हैं उनमें से एक परिवार की कहानी है। कहानी रेमंड्स की है, कहानी विजयपत सिंघानिया की है, कहानी विजयपत के बेटे गौतम सिंघानिया की है। रेमंड और सिंघानिया परिवार, सिंघानिया परिवार दरअसल राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन बाद में ये लोग कानपुर पहुंचे। कानपुर में रहे, वहाँ उन्होंने कुछ बिजनेस किया। कहते हैं बिजनेस की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि एक सिंघानिया परिवार के शुरुआत में उनकी एक बहन की शादी थी, मेहमानों के लिए गर्मी था तो बर्फ मंगाया जा रहा था, आइस, तो आइस की एक फैक्ट्री थी, मेहमान ज़्यादा थे, आइस कम पड़ गए। उधर फैक्ट्री वाला भी नाराज़ हो गया, उसका मैनेजर ने कहा बार बार यार तुम आइस मंगा रहे हो, इतनी ही ज़रूरत है, अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं खोल लेते। कहते हैं जो सिंघानिया थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी, अगले ही दिन उन्होंने कानपुर में एक आइस फैक्ट्री खरीद ली। धीरे धीरे उनका बिजनेस शुरू हुआ। शुरुआत में इनका फैब्रिक्स और वो छोटे मोटे लेवल पर काम चल रहा था, लेकिन फिर 1900 का दौर आया, परिवार महाराष्ट्र मूव किया, मुंबई पहुंचा। मुंबई में ठाणे के नज़दीक एक वूलन मिल था, ऊन का, गर्म कपड़ों का। उस मिल को किसी एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया था। उस मिल में उस वक्त सेना के जवानों के लिए यूनिफॉर्म भी तैयार होता था। 1925 में मुंबई के उस बिजनेसमैन से सिंघानिया परिवार ने इस मिल को खरीदा, और फिर 1940 में कैलाशपत सिंघानिया ने इस मिल का पहली बार नाम, तब मिल का नाम था वाडिया मिल, बदलकर इसका नाम रखा रेमंड मिल। तो 1940 में जाकर पहली बार रेमंड नाम का जन्म हुआ। एक वूलन मिल, फिर सेना की वर्दी जहाँ पर सिलती थी वहाँ से, फिर यहाँ। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कपड़े वपड़े सिलने शुरू किए, लेकिन ये छोटे मोटे पैमाने पर था, और इनका चूंकि शुरुआत में काम था कि कॉटन स्पिनिंग या फिर विपिंग, ये सब चीज़ें पता था, तो इनके कपड़ों और फैब्रिक्स के बारे में काफ़ी जानकारी थी। अब जब ये रेमंड मिल आया तो इन्होंने फिर, उस वक्त अंग्रेज़ों का दौर था, उनको टक्कर देने के लिए इन्होंने इम्पोर्टेंट मशीनें मंगाई और अब बेहतरीन किस्म के फैब्रिक्स सिलने शुरू कर दिए, ख़ास तौर पर सूट के कपड़े, और रेमंड्स की यही पहचान थी। अब ये चल पड़ा, धीरे धीरे रेमंड्स का नाम होने लगा, देश आज़ाद हो गया। इसके बाद जो उस वक्त इन्होंने जो शुरू किया था वो थे कैलाशपत सिंघानिया, यानी कि गौतम सिंघानिया के दादा, तो उनको खासा नॉलेज इस फील्ड के बारे में। उन्होंने रेमंड की बुनियाद जो रखी गई उसको देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया।
1916 में, सारी 60 में, 1960 में सारी मशीनें उससे पहले सब आ चुकी थी, और उससे दो साल पहले 1958 में पहला शोरूम रेमंड का मुंबई में खुला था। 60 आते आते फिर शोरूम की तादाद बढ़ती गई। उसके बाद फिर ऐसा दौर आया जब रेमंड के शोरूम देश के बाहर भी खुलने लगे। फिर इसी दौरान में अब कैलाशपत सिंघानिया ने अपना सिंहासन अपने बेटे को दे दिया, विजयपत सिंघानिया, 1980 में। जब वो आए तो उन्होंने और रेमंड्स का विस्तार किया। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और परफ्यूम भी, पार्क एवेन्यू, मैंने तो यूज़ किया, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने यूज़ किया, नाम सुना। तो विजयपत सिंघानिया का दिमाग शुरू से बिजनेस में काफ़ी तेज था। उन्होंने रेमंड्स के मटेरियल, तब तक टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छी अच्छी मशीनें मंगानी शुरू की, और शोरूम लगातार उनका ये था कि देश का ऐसा कोई शहर ना बचे जहाँ शोरूम ना हो रेमंड्स के, खोलने शुरू किए। फिर विदेश में पहला यमन था देश जहाँ इन्होंने खेला, उसके बाद तो यूरोप और कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो करते करते ये सब कुछ चलता रहा। 1980 से रेमंड्स ने और रफ्तार पकड़ी। कहते कि उस ये एक दौर आया था जब बिरला जो इंडस्ट्री है, बिरला ग्रुप, उससे बड़ा नाम हो गया था रेमंड्स का। 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी विजयपत सिंघानिया ने। सब कुछ ठीक चल रहा था 1980 से। फिर 2000 आया। विजयपत सिंघानिया के दो बेटे थे, एक गौतम सिंघानिया और एक और दूसरा भाई। जब ये दोनों बड़े हुए और विजयपत अब बूढ़े होने लगे तो दोनों भाइयों में अब कंपनी पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई फैमिली में। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मामला इतना बढ़ा कि परिवार में ही तनाव और नफरत के माहौल आ गए थे। तो जो बड़ा बेटा था, गौतम सिंघानिया का बड़ा भाई, वो थोड़े दूसरे मिजाज का था। उसने कहा ये पैसे और इसके लिए परिवार में इतना खींचतान है, उसे गुस्सा आया और उसने ये सब कुछ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस प्रॉपर्टी में, इस एम्पायर में, और वो अपने माँ बाप भाई सबको छोड़कर देश से बाहर चला गया। उसके बाद इन लोगों से उसने अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब रेमंड्स का वारिस सिर्फ एक बचा, गौतम सिंघानिया, विजयपत का बेटा, दूसरा बेटा। 1980 से 2015 आ गया, 35 साल गुजर गए। इन 35 सालों में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड्स को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन जब 2015 आया, 15 यानी कि 8 साल पहले, तब करीब उम्र थी 75-77 साल, 77 ईयर ओल्ड हो गए थे विजयपत। उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने कहा बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ी रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीते हैं। उन्होंने अपने सारे शेयर और कंपनी का कब्जा अपने बेटे गौतम सिंघानिया को दे दिया। उस वक्त जो शेयर दिए थे 37% शेयर थे, उसकी कीमत थी 2015 में 1,000 करोड़। इसके अलावा इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी थे कानपुर में, मुंबई में और कहाँ कहाँ। मुंबई के मालाबार हिल्स में एक इन्होंने जेके हाउस बनाया था, वो उस वक्त शुरू हुआ था 14th फ्लोर, आज 37th फ्लोर है उस पर, और मालाबार हिल में आज भी है जेके हाउस। करोड़ों रुपए की, कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसी मालाबार हिल्स में 4 डुप्लेक्स बड़े आलिशान फ्लैट बनाए गए थे, और ये 4 बनाए इसलिए गए थे कि एक में खुद जो गौतम सिंघानिया वो रहेगा, एक में उसके पिता विजयपत सिंघानिया जो उसको अपनी सारी दौलत दे चुके हैं, एक में विजयपत सिंघानिया के एक भाई थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी पत्नी और उसी पत्नी के 2 बच्चे। तो 4 डुप्लेक्स फ्लैट 4 लोगों में बढ़ गए। जब 2015 में विजयपत सिंघानिया ने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी विरासत अपने बेटे गौतम सिंघानिया को दे दी, तो गौतम सिंघानिया ने कहा था कि ठीक है पापा, हम इसमें से आपके लिए कुछ अलग से और देंगे, आप सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है दे देना। अब उसके बाद ये हुआ कि मालाबार हिल्स में वो डुप्लेक्स, वो भी कई 100 करोड़ के, वहीं से लड़ाई शुरू हुई। विजयपत सिंघानिया अब वहीं आराम से रहना चाहते थे, बेटा चाहता था कि वो ये सारी चीज़ें भी उसके नाम कर दें, जो भाई का है वो भी उसके नाम कर दें। विजयपत अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं। बाप बेटे के रिश्ते यहाँ से ख़राब हुए, इतने ख़राब हुए कि अब चूँकि पूरे रेमंड्स कंपनी जो थी
वो गौतम के नाम हो चुकी थी। एक रोज उसने अपने बाप को जेके हाउस से बाहर कर दिया। वकीलों से, दलीलों से, पैसे तो थे ही, पावर भी थे, उसने वो जेके हाउस अपने नाम कर लिया। वो जो चार डुप्लेक्स थे जो चार लोगों के, वो सब भी अपने नाम कर लिया। अब कानूनी कागज़ थे और इसी कागज़ पर दम पर अपने बाप को वहाँ से बाहर कर दिया। पहले अपने घर से निकाला, फिर इस डुप्लेक्स से निकाला। अब कोई रास्ता नहीं, उन्होंने मुंबई में ही फिर किराए का घर लिया पत्नी के साथ, यानी गौतम सिंघानिया की माँ के साथ दोनों रहने लगे। बेटे ने यहीं पर बस नहीं किया, इसके बाद जो उनके पास आलीशान कार थी वो कार वापस बुला लिया, जो ड्राइवर दिया हुआ था वो ड्राइवर वापस बुला लिया। एक एक चीज के लिए मोहताज कर दिया। अब इधर 80 पार कर गए सिंघानिया, लेकिन कुछ नहीं देता, और इधर अरबों की दौलत। लेकिन जिस विजयपत सिंघानिया ने रेमंड को खड़ा किया, उसी के बेटे ने जब सारी दौलत उन्होंने अपने जीते जी दे दी, बाप को दरबदल कर दिया। आज भी मुंबई के दो कमरे के फ्लैट में विजयपत सिंघानिया अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। जिस दिन इंडिया टुडे के रिपोर्टर हमारे मजुमदार इंटरव्यू के लिए गए थे, तो वहाँ उन्होंने जब पूछा तो बताया कि हाँ, गौतम आता तो है इस घर पे कभी कभी, क्योंकि वो अपनी माँ से अब भी मिलता है, बात करता है, बाप और बेटे में बातचीत नहीं है। उन्होंने कहा जिस दिन इंटरव्यू हो रहा था कि उससे एक रोज़ पहले भी आया था, वो यहीं बैठा था, मैं पास से गुजरा, उसने मुड़कर देखने भी की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। उसके अंदर बहुत एरोगेंस है, बहुत ईगो है, और एक एक चीज़ उसने छीन ली उनसे। उन्होंने कहा कि बस नसीब ये था कि अपनी सारी जायदाद दौलत रेमंड का मालिकाना हक जब बेटे को दिया, कुछ पैसे उनके पास थे जो किसी बैंक में उन्हें याद भी नहीं था, वो पैसे इस वक्त काम है। उन्होंने कहा अगर वो पैसे ना होते तो आज शायद मैं सड़क पर होता, लेकिन उन पैसों की वजह से कम किराए का घर ही सही, छत है ऊपर, बेशक कार नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, लेकिन छत है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मालूम है कि शायद 2-3 साल वो और जिएंगे, 85 की उम्र हो चुकी है, और इसी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी जो शुरुआत में मैंने आपको सुनाया था। उस किताब के जरिए असल में वो देश और दुनिया के हर माँ बाप को एक मैसेज, एक सबक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में भी कि मैं हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी औलाद को चाहते हैं चाहें, प्यार करें, उसे जो कुछ देना है दें, लेकिन अपने जीते जी अपना सब कुछ उसे ना दें, क्योंकि क्या पता कल को दौलत मिले और वो बदल जाए और आपको जीते जी अपने ही ना सिर्फ दिल से, घर से, बल्कि हर जगह से निकाल दें, फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। उस उम्र में आप कहाँ भटकेंगे जो मैं जिस तरीके से भटक रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपकी वसीयत, आपकी दौलत, आपके पैसे तो है ही हैं, किसको देंगे आप, बच्चों को ही दोगे ना, लेकिन ऐसे दो कि जब आप इस दुनिया से चले जाएं तब ये सब कुछ उनका हो, ताकि कम से कम जब तक आप जिंदा हो वो आपकी केयर करें। आप जिस घर में रहे उनको पता है कि अभी तक ये इनका घर है, तो आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। तो उनका कहना है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को जो भी देना हो अपनी मौत के बाद दें, पूरी वसीयत। हालांकि मुझे लगता है इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे औलादे हैं, अच्छे माँ बाप हैं, तभी ये दुनिया चल रही है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि कुछ औलाद ऐसी होती है जो माँ बाप को जीते जी उठाकर वृद्धाश्रम में भेज देती है। यहाँ तो सिंघानिया का मामला है। जब इनका इंटरव्यू देख रहा था इंडिया टुडे पर, तो मुझे वाकई उनकी आंखों में बेबसी और जिस तरीके से वो बोल रहे थे, मतलब इमोशनल हो गया था। यहाँ तक कि चूंकि वो रेमंड्स के मालिक और चेयरमैन रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, तो कई जगह पे कुछ लिखना पढ़ना होता तो अपने आप को वो एक्स चेयरमैन, उस पर भी बेटा को गवारा नहीं हुआ कि बाप ये लिखे कि ये एक्स चेयरमैन है। उन कोर्ट चला गया और कोर्ट जाने के बाद कहा कि ये स्कूल, मतलब उसके पिता को लिखने का अधिकार नहीं है, वो भी उसने छीन लिया वो हक। और सुनिए, इन्होंने कहा कि चलो यार मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, 85 साल की उम्र में क्या करूँगा, जब तक 2-4 साल जी रहा हूँ जी लूँगा, तो कम से कम जीने के लिए इतने सब कुछ दिया, अपनी सारी दौलत दे दी। 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीस पर मंथ दोनों हस्बैंड वाइफ के खर्चे के लिए दे दो कंपनी की तरफ से। रेमंड्स कंपनी की बोर्ड मीटिंग की तरफ से जवाब आया
कि जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आपको कोई 7 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा महीना, तो वो पैसे भी नहीं मिले। सोचिए 1000 करोड़, रेमंड्स का एम्पायर, पार्क एवन्यू, जेके हाउस, अभी 37 फ्लोर का है वो, मालाबार हिल्स जैसी जगह पर। अगर विजयपत सिंघानिया अपने बेटे गौतम सिंघानिया को ये सारी चीज़ें ना देते आज की तारीख तक, तो क्या होता? आज भी वो वैसी आलीशान जिंदगी जी रहे होते। लेकिन उनका कहना है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती एक ही थी, और वो ये कि मैंने मौत से पहले अपने बेटे के नाम अपनी सारी दौलत कर दी, और उसके बाद बेटा बदल गया। उसके अंदर पहले पैसे का घमंड आया, फिर पावर का, फिर ईगो, और उसके बाद एरोगेंस, ये उन्होंने कहा है। तो इसीलिए उन्होंने अपने तमाम माँ बाप से रिक्वेस्ट की। अब यहाँ दूसरा पार्ट ये है इस कहानी का कि गौतम सिंघानिया ने तो अपने बाप और माँ को निकाल दिया, उसके बाद अपनी बीवी को भी निकाल दिया। जो बीवी है गौतम सिंघानिया की, नवाज मोदी सिंघानिया, ये एक रेपुटेटेड लॉयर की बेटी है, हालांकि उनकी उम्र भी 92-93 साल हो गई है, और एक ज़माने में बड़े मशहूर वकील थे, और इनका भाई भी एक जाना माना वकील है। अब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर ये डिवोर्स होता है तो हिंदू मैरिज एक्ट में है कि सेपरेशन की सूरत में पत्नी और उसके बच्चों को 50% जो भी है वो मिलेगा। मान लीजिए अगर 100 रुपये तो 50 रुपये का हकदार है, लेकिन नवाज ने मांगा है 75%। अब यहाँ एक और इशू ये है कि नवाज हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये सारी 50% वाला है, लेकिन पारसी में क्या है, पारसी रिलीजन में कि कितना मिलता है ये शायद क्लियर नहीं है अभी। लेकिन अगर 75% देने की नौबत आ गई तो सोचिए गौतम सिंघानिया के पास क्या बचेगा। चलिए ना भी देने की नौबत आई, नवाज अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल गई, दोनों बेटियाँ और नवाज ने अपने बाप और पति से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। अब इनका फैमिली और कोई नहीं है, भाई पहले ही छोड़ चुका है, जो कुछ भतीजे थे रह रहे थे उन्हें भी जेके हाउस से गौतम सिंघानिया ने निकाल दिया। तो कायदे से बीवी और बेटी को निकालने के बाद इस वक्त वो अकेला है। अब अगर गौतम सिंघानिया को कुछ हो जाता है तो फिर रेमंड्स का मालिकाना किसके पास, और ये सारी चीज़ें वक्ती होती हैं, वक्त के साथ ये सारी आती और जाती हैं, कभी परमानेंट कुछ होता नहीं है। तो कल को अगर यही दिन ऊपर वाला ना करे, गौतम सिंघानिया को देखना पड़े, कोई ऐसा आया और उसे भी इस तरीके से बेदखल कर दे, तब शायद उसे अपने माँ बाप की तकलीफ़ों का एहसास होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं अपनी राय देता हूँ, मैं इसको आज कहानी की तरह नहीं बल्कि वाकई चूंकि इमोशनल हो गया था इसलिए मुझे लगा क्राइम तक फैमिली मेंबर तक भी ये बात पहुंचाऊं कि मैं एग्री करता हूं विजयपत सिंघानिया की बातों से कि आप अपने बच्चों को खूब सारी चीज़ें दीजिए, प्यार दीजिए, पैसे दीजिए, जो भी उनकी डिमांड हो सब कुछ दीजिए, सारी ख्वाहिशें हसरत उनकी पूरी कीजिए, लेकिन हाँ छत या अपनी सारी जमा पूंजी उन्हीं बच्चों को दीजिए, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि क्या पता कब किसका दिमाग पलट जाए, और क्या पता कब किस बुजुर्ग माँ बाप के साथ यही सारी चीज़ें हो जाए। तो कहानी कम और सबक ज़्यादा विजयपत सिंघानिया के ज़रिए ये आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। एक तो दीपक आ रहा है, पिछले एक महीने से छुट्टी पे था, कोलकाता गया हुआ है, आज शायद वो पहुंचेगा। तो पूरी टीम की ये डिमांड है, दीपक और अमित सिंह की भी, कि कोलकाता से सौंदेश लेकर आना, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कम सौंदेश का ज़्यादा कर रहे हैं, तो लेते आना, दिल मत तोड़ना सबका। इसके अलावा हमारी टीम के हीरो चिराग गोटी, इनका भी आज बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे चिराग, हमेशा तुम अच्छे रहो, खुश रहो, इसी तरह मुस्कुराते रहो, सबको खाना खिलाते रहो। इसके अलावा दीक्षा कंसल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा। और ये निशांत की वाइफ हैं, एंड सॉरी निशांत, आपने पहले विश किया था बिलेटेड, मैं भूल गया, तो दीक्षा जी मेरी गलती थी, निशांत की गलती नहीं थी।
साथ ही ऋत्विक सचदेव, इनका भी आज जन्म दे रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे ऋत्विक। और ये अशोक सचदेव ने भेजा मेलबर्न से, अशोक सचदेव जी ने भेजा क्योंकि अशोक सचदेव जी के पोते हैं ऋत्विक। गोविंद कुशवाहा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोविंद जी। अजय चौधरी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अजय जी। इसके अलावा अभिषार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषार। और ये भेजा भोला राम ने, उनके बेटे हैं। साथ ही माधव चंडेल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माधव। इसके अलावा अपरूजा मंडल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अपरूजा जी। सॉरी, अपरूजा मंडल और मोहम्मद मानिक मंडल, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को अपरूवा और मानिक मंडल जी, बहुत बहुत आपकी बधाई इस शादी की सालगिरह की। 3 दिसंबर को है, 3 दिसंबर को तो संडे कहानी है नहीं। सुनील, साक्षी और मुकेश भाभी का, इन दोनों की भी एनिवर्सरी, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और ये भेजा है गीता कौर ने। इसके अलावा ललित मन चंदा जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। पौरावी पाटिल, थैंक यू सो मच, जवाब नहीं दे पा रहा था तुम्हें। और दूसरी बात ये कि तुमने एक सवाल पूछा था कि चुल्लू भर के पानी में कैसे आदमी डूबता है, तो डूब ही नहीं सकता ना, चुल्लू में खुद पानी डाल के तुम देख लेना, तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा अनिमेश कर, थैंक यू सो मच अनिमेश, आपका भी और अफसोस है जो आपने बताया आपके गाँव के बारे में वहाँ पर। इसके अलावा आतिफा नास, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अवधेश कुमार यादव कह रहे कोई फिक्शनल स्टोरी सुनाइए, कोशिश करता हूँ। दीपक दुबे मुंबई से, थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा नौशाद पाशा N7, थैंक यू नौशाद आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।